वेलकम बैक टू किसान प्रेजेंट्स के फॉर किड्स। आज हम बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने की। बच्चों, आपको पता है कि हमारी सोलर सिस्टम में कितनी प्लैनेट्स हैं? और अर्थ सिर्फ एक ऐसी प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसमें है वेरी गुड एयर एंड अ परफेक्ट टेम्परेचर फॉर अस टू सर्वाइव। आपको पता है स्पेस से हमारी अर्थ दिखती कैसे है? राउंड एंड राउंड, करेक्ट, बिल्कुल हमारे पटेटोस की तरह, बट ब्लू इन कलर। ओके, तो चलो टेस्ट करते हैं हमारा क्रिस्पी पटेटो सैलेड। Shall I serve? भूख लगी है ना बच्चों? Yes. तो जल्दी से खाओ आप, ओके? और जल्दी से बताओ मुझे कि आपको ये कैसे लगा। यम्मी, right? पसंद आया आपको? It is very tasty, right? Yes. चलो बच्चों, मिलकर आज हम बनाएंगे हैंगिंग ग्लोब टू सेलिब्रेट अर्थ डे। पहले हम एक कार्डबोर्ड को गोल तरीके से काट लेंगे, उस पर हम कर देंगे ब्लू पेंट, राइट? अब हम मार्कर लेंगे और उस पर बनाएंगे लैंडमार्क। ब्लू तो हो गया हमारा वाटर, और अब हम लैंड को ड्रॉ करेंगे जो हम कवर करेंगे हमारे मड से, राइट? चलो आप बनाओ, लैंड बनाओ। इस लैंड को कवर करेंगे हम मिट्टी से, राइट? चलो बनाओ आप प्लान। अब हम ग्लू लेंगे और लैंड को ग्लू से फिल कर देंगे। हमने इस आउटलाइन में सारा ग्लू फिल कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे मिट्टी। मिट्टी डालो, मिट्टी लगाओ। तो अब आप लाइटली इस मिट्टी को प्रेस करो इस तरीके से, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। एंड देन एक्सेस मिट्टी को हम वापस इसमें डालेंगे, ओके? देखो कैसे अच्छी तरीके से बन गया हमारा लैंड। मम्मीज, ये एक अमेजिंग एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और उन्हें प्लैनेट के बारे में सिखा सकते हैं। ये हमारे हैंगिंग ग्लोब सूख गए हैं एंड नाउ दे आर रेडी। अच्छा लग रहा है ना? मैं अपने कमरे में लगाऊंगा। आप इसे अपने कमरे में लगाओगे? बच्चों, क्या आपको पता है कि पॉलिथिन बैग्स यूज करने से हमारी अर्थ को कितना नुकसान पहुंचता है? क्या होता है पता है? एनिमल्स को पता नहीं होता, जैसे कि काउस। आप पॉलिथिन बैग यूज करते हो, उसको फेंक देते हो, काउस को तो पता नहीं चलता कि वो पॉलिथिन बैग है और वो उसे खा लेते हैं और फिर उनका स्टमक हो जाता है अपसेट, वो सिक हो जाते हैं। कभी कभी आप सिक होते हो, आपको अच्छा लगता है? नहीं ना? तो बच्चों, आज से हम पॉलिथिन बैग्स कम यूज करेंगे, राइट? प्लास्टिक बैग्स आर लाइक मॉन्स्टर्स टू आवर एनवायरनमेंट। वैसे बच्चों, आपकी कोई ऐसी वेजी है जो आपको मॉन्स्टर जैसी दिखती है? कॉलीफ्लावर। और अन्विता, आपको कौन सी वेजी मॉन्स्टर जैसी दिखती है? मैं मिनी मॉन्स्टर वेरी वेजिटेबल लाऊंगी। आप जाओगे लाने? ठीक है, चलो देखते हैं अन्विता की कौन सी मॉन्स्टर वेजी है। कॉलीफ्लावर मॉन्स्टर वेजी है, बट मैं इसमें कुछ ऐसा यमी बनाऊंगी कि ये आज से उसकी बन जाएगी फेवरेट वेजी। तो चलो बच्चों, जाकर बनाते हैं इस कॉलीफ्लावर में कुछ मजेदार। तो
चलिए बनाते हैं क्रीमी कॉलीफ्लावर विद वेजीज। इसके लिए पहले हम पैन में हीट करते हैं थोड़ा सा बटर। बटर आप सबको पसंद है ना? हाँ। हमारा बटर मेल्ट हो चुका है एंड नाउ लेट्स ऐड गार्लिक। गार्लिक को करेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। अब इसके बाद हम डालेंगे कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए। ओके, लेट्स सॉटे इट फॉर सम टाइम। कॉलीफ्लावर थोड़ा सा सॉटे करके अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक। चलो हर्ष, आप डालो वेजिटेबल स्टॉक। ग्रेट। मैंने इसमें डाला है एक बेसिक वेजिटेबल स्टॉक। ये बनता है अनियंस, कैरेट्स, अगर आपके पास थोड़े से पोटैटोज हो, सेलरी स्टिक्स, ये सबको आप बॉईल कीजिए, स्ट्रेन कीजिए और यूज कीजिए। अब इसमें जाएगा मिल्क। चलो आप हेल्प करो मुझे। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एंड लेट्स सीजन इट विद सम पेपर। अब हमारा कॉलीफ्लावर पक गया है, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड वी विल अलाउ दिस मिक्सचर टू कूल डाउन। देन वी विल ब्लेंड दिस मिक्सचर इनटू अ स्मूथ क्रीमी यमी सॉस। ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, नाउ लेट्स ब्लेंड दिस। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये बन गया हमारा क्रीमी कॉलीफ्लावर सॉस। यू नो मामीज, दिस इज अ ग्रेट वे टू हाइड द वेजीज दैट द किड्स डोंट लाइक। तो अब हम लेयर करते हैं थोड़े से बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ये ली हमने कैरेट, फिर हम लेंगे आलू जो सब बच्चों की फेवरेट है। सारे वेजिटेबल्स को हमने थोड़ा सा बॉइल कर लिया है एंड देन सम पीस। इसे हम सीजन करेंगे थोड़े से पेपर और थोड़े से सॉल्ट से। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। I like cream. You like cream? Yes. और थोड़ा सा नटमेग एंड फाइनली हमारा मॉन्स्टर वेजी जिसका रूप अब बदल गया है। इसको डालेंगे हम। और इस पर हम डालेंगे बच्चों की फेवरेट और ये जा रहा है बेक होने के लिए इन अ प्री हीटेड ओवन 200 डिग्रीज फॉर अबाउट 15 मिनट्स। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि अर्थ बनी है 70% पानी से, राइट? यस। लेकिन फिर भी ये पानी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पानी बहुत वेस्ट करते हैं, राइट? यस। और हम लेते हैं एक छोटी सी प्रॉमिस और वो है कि जब भी हम ब्रश करेंगे हम टैप को बंद रखेंगे, शावर से बिल्कुल नहीं नहाएंगे और सिर्फ एक बकेट पानी से नहाएंगे, राइट? Yes! ब्रेक के बाद आकर देखते हैं इफ कॉलीफ्लावर रिमेन्स अ मॉन्स्टर वेजी या बन गई है बच्चों की फेवरेट वेजी। It's okay.